प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होगी, लेकिन इस बीच देश में नई सरकार बनने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 10 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। मणिपुर एक वर्ष से शांति की राह देख रहा है, चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश की समस्याओं पर विचार करना होगा। इसके अलावा उन्होंने चुनाव लड़ने के दौरान आधुनिक तकनीक के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया, कहा कि चुनाव लड़ने में एक मर्यादा होती है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बातें कही कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई, अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए की। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही, सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है, दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक चीज साफ है, वो ये है कि संघ ने साफ कर दिया है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और अब उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को आगे बढ़ते रहना होगा।